जब आप आरएएस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो अब आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स को आप एनालाइज करें। जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो सिलेबस है उसमें कोई स्पेसिफिक हिस्सा ऐसा है जिसमें से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे आप पिछले चार एग्ज़ाम को आप देखोगे तो मैथ्स और रीजनिंग के आपको 150 में से लगभग 20 से 25 सवाल आपको मिलने वाले हैं। ऐसे ही जो हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग या पिछले जो क्वेश्चन पेपर है उनके एनालिसिस के बाद आपको पता चले तो उन हिस्सों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो प्रत्येक सवाल है, जैसे कि 200 नंबर का पेपर है और 150 उसमें सवाल आते हैं, सवाल की प्रकृति क्या है। जैसे कि कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि उसमें केवल एक ही आंसर है, यानी हालांकि सारे सवाल हैं वो मल्टीपल चॉइसेस वाले होते हैं, लेकिन सवाल जो बनते हैं वो कई बार मैचिंग वाले सवाल आ जाते हैं, कई ऑड वन आउट वाले सवाल आ जाते हैं, कई बार सीधा ही आपसे एक फैक्ट देके पूछ लिया जाता है। तो अब धीरे धीरे जो आरपीएससी है वो सवालों को और ज़्यादा जटिल बना रही है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप केवल फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ आपको कंसेप्चुअल नॉलेज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप प्रीलिम्स परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके और मुख्य परीक्षा में बैठ सकें।